कि महाराज युधिष्ठिर के अम्बरीश महाराज के यज्ञ में देवता बैठे थे और मनुष्य बैठे थे, दोनों में कोई अंतर नहीं जान पड़ता था। देवताओं की पलक नहीं गिरती है, तो मनुष्य भी चकित थे देवताओं को देख कर अपने पास, तो उनकी भी पलक नहीं गिर रही थी, कोई भेद नहीं जान पड़ता था। महाराज अम्बरीश के समान इतने सुंदर लोग होते थे, ये सुंदर तेजस्वी धनी की देवताओं के शरीर में इनके शरीर में अंतर नहीं पड़ता था। युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज तक देवताओं का आगमन रहा, तो पृथ्वी पर एक राजा भगवान की भक्ति का संकल्प करके बैठा और देवता लोग फूल बरसाने लगे, तो सब कम्युनिकेशन था ना, पूरा यातायात सुगम था। इसी दिक्कत श्री प्रभुपाद जी इसी पॉइंट को यहाँ उजागर किए दिखाया, देवताओं का फूल बरसाना। लोग सबसे अधिक प्रसन्न उसी व्यक्ति पर होते हैं जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है, उसको वे हृदय से आशीर्वाद देते हैं, उसके दीर्घ जीवन के लिए आशीर्वाद, धन के लिए आशीर्वाद, निरोग रहने के लिए आशीर्वाद देता लोग देते हैं। तो महाराज परीक्षित को धन्यवाद दे रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। ये तो देवताओं की बात है, महाराज परीक्षित के प्रति देवताओं का क्या रिएक्शन हो रहा था उसको बताया। अब वहाँ पर जुटे हुए ब्रह्मर्षियों का, ऋषियों का महाराज परीक्षित के प्रति क्या उपचार हो रहा है। महर्षयो वै समुपागताये प्रसस्य साद्विक तन्मोदमाना पूचुः प्रजानुग्रहशील सारः जदुत्तमश्लोक गुणाभिरूपम्। महर्षय और महाऋषिगण ये समुपागतः जो महाराज परीक्षित के निकट आए थे, कल जिनकी कथा हुई, ये सभी देवताओं के पुष्प वर्षण और प्रशंसा के बाद, नगाड़ा आदि शांत होने के बाद ये लगे प्रशंसा कर। बताइए, एक भक्त की प्रशंसा स्वर्ग में देवता कर रहे हैं और पृथ्वी पर समस्त ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि कर रहे हैं। तो प्रशस्य प्रशंसा करने लगे, बार बार साधु साधु धन्यवाद धन्यवाद बोल रहे थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इति अनुमोद माना, महाराज परीक्षित के उस निर्णय का अनुमोदन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गाय तो विष्णु गा था और बिल्कुल उसकी चटाई पर बैठ गए, इसका अनुमोदन किए ऋषिजन और उच्च बोलने लगे। प्रजानुग्रहशील सारा, वास्तव में प्रजा पर जनता पर अनुग्रह करना ही जिनका स्वभाव है और बल है सार है, ऐसे ऋषिजन इनकी प्रशंसा करने लगे। जदुत्तम श्लोक गुणा भी रूपम, और ये प्रशंसा जो थे भगवान विष्णु के श्री कृष्ण के गुणों से परिपूर्ण प्रशंसा थी, और इससे वो वचन बहुत सुंदर लग रहा था। भगवान के भक्तों का जो व्यवहार होता है ऋषियों का, भगवान के गुणों से ही सना रहता है। जब उत्तम श्लोक गुणा अभिरूपम गुण अभिरूपम सुंदर प्रशंसा कर, क्या प्रशंसा कर रहे हैं दो श्लोक में उसको कहा जा रहा है। नवायुदम राजसी वर्ज चित्रम भव श्रीकृष्णम समनुव्रतेषु विध्यासनम राज कीरीट जुष्टम सद्यो जहुर भगवत पार्श्व कामा। हे राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ राजर्षि वर्ज, आप लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इस तरह से संसार का त्याग करना और भगवान कृष्ण को पाने की चेष्टा करना, ये आप लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। हे राजर्षि वर्ज, इदं भवत्सु चित्रम न, आप लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? कृष्णम समनुव्रतेषु, आप लोग स्वभाव से ही कृष्ण के अनुगामी होते हैं।
ऋषि जन महाराज परीक्षित की प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं कि परीक्षित कृष्ण के अनुव्रत हैं, अनुगामी हैं, कृष्ण के भक्त हैं। कृष्णम सर्वव्रतेषु भवत्सु, ये आप लोग ऐसे हैं कि अध्यासनम राज कृत दुष्टम शब्दो जहुर भगवत पार्श्व काम। आप लोग तो ऐसे हैं कि भगवत पार्श्व कामा, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, भगवान के पास होने के लिए अध्यासनम शब्दो जहुर, अपना राज सिंहासन राज्यासन तुरंत छोड़ दिए। जो राज सिंहासन किरीट जुष्टम, राज किरीट जुष्टम, राजाओं के मुकुट से युक्त था, जिस आसन पर आया करके राजा लोग हमेशा प्रणाम किया करते थे, संपूर्ण पृथ्वी के राजा लोग आया करते थे महाराज युधिष्ठिर के यहाँ, खास करके महाराज युधिष्ठिर के अभिप्राय से बात कही गई। उसी वंश में जन्म लिए हैं, इसीलिए बहुवचन में बोल रहे हैं। ये ध्यासनम राज किरीट जुष्टम सत्यो जहुर भगवत पार्श्व कामा, सत्य तत्काल छोड़ दिए। जय ही सुने कि कृष्ण चले गए अपने धाम में, तो उसी समय युधिष्ठिर महाराज और उनके सब भाई मुकुट त्याग दिए, राज छोड़ दिए। किस लिए? भगवत पार्श्व कामा, भगवान के पास जाने के लिए। पार्श्व का अर्थ नहीं करते, निकटता पाने के लिए। जहाँ कृष्ण गए हैं वहीं जाएंगे, हम यहाँ सुख नहीं मिलेंगे, राज नहीं करेंगे। एक सेकंड भी राज नहीं किया महाराज युधिष्ठिर ने, उसी समय त्याग दिया। जो सुने कृष्ण नहीं चले गए अपने धाम। महाराज युधिष्ठिर का राज्य कैसा था? राज किरीट जुष्टम, राजाओं के मुकुट से युक्त। जिस आसन पर युधिष्ठिर महाराज बैठते थे, उस आसन को राजा लोग प्रणाम किया करते थे, हमेशा 10-20 हजार राजा जुटे ही रहते थे, प्रणाम किया करते थे, और राजाओं के मुकुट आपस में टकराते थे, प्रणाम करने में ठन ठन कन बोलते रहते थे, सभी सोने के सिंहासन, सोने के मुकुट धारण करके आते थे। महाराज युधिष्ठिर के चरण में प्रणाम नहीं पहुंच पाता था, केवल उस सिंहासन तक पहुंचता था। इसका अर्थ है कि जिनके शासन में सारे राजा थे, राजस्वीय यज्ञ किया था उन्होंने, तो सारे पृथ्वी के समस्त राजा का बलि दिए थे, उपहार दिए थे, भेंट दिए थे, सोना चांदी मुद्रा धन लाए राजस्वीय यज्ञ। तो ऐसे राज्य को त्याग देना क्षण भर में, किसके लिए? भगवान के पास जाने के लिए, भगवत पार्श्व काम। तो आप ऐसे बहुत से जन्म लिए हैं, आप लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दूसरे के लिए आश्चर्य होगा कि इतना त्याग देना कृष्ण के लिए, कृष्ण से इतना प्रेम। आप लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक है। यह है प्रशंसा हमारे परीक्षित। इतना कह करके वे कहते हैं, सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं जावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं जास्यत्तजं भागवत प्रधानः। महाराज परीक्षित से बात कहकर आपस में मंत्रणा करके बोलते हैं, अरे मंत्रणा कर लिए कि आप रहेंगे ना 7 दिन, सब यही कहते थे, हाँ हमें तो रहना है, हम तो यहाँ रहने के लिए आए, हमें तो रहना है, हमें देखना है कि भगवान का परम शुद्ध भक्त किस तरह से इस जगत को छोड़कर भगवान के धाम में जा रहे हैं। सभी ने एक स्वर से कहा कि हाँ हम यही रहें, यही रहें। तब बोलते हैं, सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य, अभी समय हम सभी तब तक यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अपने आश्रम या कहीं से काम धंधा जो भी कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। यह आश्रम है, हम रहेंगे। कलेवरम जाओ दसौ विहार, तब कब तक रहेंगे? जब तक महाराज परीक्षित कलेवरम विहार
अपना शरीर छोड़ करके और लोकम परम ब्रजस्कम विशोकम जासत है भागवत भगवान के धाम गोलोक में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे, यानी कि देह त्याग तक यहीं रहेंगे, हम देखेंगे। कोई व्यक्ति, कोई संत पुरुष वैष्णव यदि भगवान के धाम में जा रहा है तो वास्तव में खुशी की भी बात होती है, बहुत प्रसन्नता होती है ये सोच करके भगवान के धाम में जा रहा है। लेकिन दुख भी होता है, दुख का भी कारण है कि ऐसे महान पुरुष से फिर संपर्क नहीं हो पाएगा, आंखों से तिरोहित हो जाएगा, दर्शन नहीं होगा, ये सोच करके दुख होता है। लेकिन वे जा रहे हैं भगवान के पास, इससे बहुत प्रसन्नता होती है। वैष्णवों का जो अंतर्धान होता है तो इसको हमारे वैष्णव समाज में विजयोत्सव कहते हैं, कभी कभी उसको लोग विरहोत्सव कहते हैं। विरह उत्सव नहीं होता है, कोई लगा देते हैं विरहोत्सव हो रहा है, विरह कोई उत्सव नहीं, विजयोत्सव है वास्तव में। क्या विजय? माया को परास्त करके और भगवान के धाम में प्रवेश करना वैकुंठ विजय। तो वैकुंठ में भगवान के धाम में भगवान के पार्षद स्वागत करते हैं और यहाँ से ले भी जाते हैं पार्षद, वो बहुत स्वागत होता है, बहुत आनंद छाता है कि भगवान के धाम में कोई गया। और वहाँ के पार्षदों में कोई ये कॉम्पिटिटिव भावना नहीं है कि अब ये आया धक्का करेगा, हमारा सुख शेयर करेगा, ऐसा नहीं है। वैकुंठ अनंत है, अद्भुत है। वहाँ कोई जाता है तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, वहाँ तो उत्सव तो रात दिन उत्सव में ही है, तो नया उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो धाम ही उत्सव है। यहाँ भी वैष्णवगण विजयोत्सव मनाते हैं, रोते भी हैं, शोक भी करते हैं कि अवसर नहीं होगा, सच्चा दर्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मनाते हैं, ये फेस्टिवल होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब गए तो बहुत बड़ा शोक छाया, सब वैष्णव जहाँ थे वहाँ रो रहे थे। ये विश्वास रहता है प्रभुपाद जी तो गए कृष्ण के पास, भगवान के पास, तो उनके लिए शोक नहीं होता है, शोक अपने लिए होता है कि अब इनका दर्शन नहीं हो रहा है, या आपके इस उत्कल में अभी कुछ ही वर्ष पहले गौर गोविंद महाराज शरीर छोड़े मायापुर में, बहुत बड़े दुख की बात हुई कि इनके इनका साक्षात नहीं होगा, इनकी वाणी सुनने को नहीं मिलेगी, आंखों का दर्शन नहीं होगा। परंतु उनका उनकी जो गति भगवान के धाम में भगवान की लीला वर्णन, भगवान का लीला वर्णन करते हुए बोलते हुए और स्वरूप छोड़ते, जिस समय बातें कर रहे थे ऐसे तकिया था सिलेक्ट करके बोल रहे थे, जगन्नाथ जी सामने थे, बहुत अच्छे से बोल रहे थे, मैं था तो खूब हंस हंस करके बातें करते थे। हम अभी उनके रूम से निकल करके गए अपने रूम में रहने के लिए, गदा बिल्डिंग में, चक्र वहाँ गए, जे ही पहुंचे ते ही सुने कि गोविंद महाराज जिला प्रवेश कर दौड़े। अभी तो लगभग 7 या 8 मिनट हुआ होगा हमको गए हुए, तो सुना ही पड़ा, इतना प्रसन्नता से लीला वर्णन कर रहे थे। ऐसे भक्त भगवान के धाम में गए, इसमें
कोई संदेह नहीं हो सकता है। भगवान के धाम में सारे छोड़े, भगवान में मन लगा था, लीला वर्णन कर रहे थे। पर दुख तो होता है कि सन छूट गया, बाणी सुनने को मिलती है टेप में सीडी में, लेकिन वो साक्षात सन महाराज परीक्षित चले जाएंगे भगवान के धाम में। ऋषियों के हृदय में दुख भी है, इसीलिए वे कहते हैं कि हम फिर दुर्लभ अवसर नहीं मिल पाएगा, दुर्लभ रहेगा राजर्षि परीक्षित का स्वर्ग। अतः जब तक हैं तब तक हम यहीं रहेंगे, इनको देखते रहेंगे, तो यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे। सर्वे वयम ताव अभ्यास में योग्य, सर्वे वयम हम सभी तब तक यहाँ रहेंगे जब तक महाराज परीक्षित कलेवर त्याग कर वैकुंठ में जाएंगे। किस लोक में? कलेवरम विहाय असो लोकम परम लोकम, परम का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ। इस प्रकृति में जो अप्राकृत या प्राकृत सभी लोगों में सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ परम का अर्थ है वो लोक। वैकुंठ प्लैनेट में, वैकुंठ लोक में अनेक भगवान के लोक हैं, तो कई अलग अलग सब हैं, सब एक ही समान है, कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन उसमें वैकुंठ में जो सुप्रीम है वो उसको गोलोक कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ। उस गोलोक में तीन डिवीजन है, डिवीजन नहीं कहेंगे, क्या कहें, ब्रज मथुरा और द्वारका। महाराज परीक्षित भगवान के पास सब होंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं गोलोक पर वैकुंठ या अप्राकृत धाम बीरजस्कम, लेकिन बीरजस्कम से सुख गोस्वामी कह दिए या वो इसी लोग कह रहे हैं निर्मायम, जो माया से रहित है, अप्राकृत है, चिन्मय स्पिरिचुअल धाम, सबसे श्रेष्ठ। रजोगुण जहाँ नहीं है अर्थात माया का कोई प्रभाव नहीं है, वो मायातीत अप्राकृत, और विश्वकम जहाँ कोई शोक नहीं है, उस धाम में जाएंगे। ऋषि लोग अभी पहले दिन ही सूचना देते हैं, उनकी वाणी से कितना अच्छा शब्द निकल रहा था, ये महाराज परीक्षित सर्वे छोड़ करके सर्वकुंठ जाएंगे। इसमें तो कोई संदेह नहीं था, ऋषियों की वाणी है, वहाँ भगवान नारद जी बोल रहे हैं, वेदव्यास देव बोल रहे हैं, सब ऋषि लोग बोल रहे हैं। जास्यति अयम भागवत प्रधान, जास्यति जाएंगे। इस पर श्रीधर स्वामी जी प्रश्न करते हैं, यदि कोई पूछे ऋषियों से आप कैसे जानते हैं कि परीक्षित भगवान के धाम में जाएंगे, तो उसका वही उत्तर देते हैं ऋषि लोग, अयम भागवत प्रधान, ये भागवतों में सबसे श्रेष्ठ है परीक्षित, भगवान कृष्ण के भक्तों में सब सर्वश्रेष्ठ है। तो सामान्य भक्त भी जाता है वैकुंठ में, इनका इनके विषय में क्या समझे, तो भागवत प्रधान है, भागवत प्रधान परम विजस्कम विशोकम लोकम जास्यति। अब जब तक जाएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। जब महाराज परीक्षित ने उनकी ये बातें सुनी तो इनका आनंद अनंत गुना बढ़ गया। यह सुन करके ऋषियों के मुख से निकल रहा है कि मैं भगवान के पास जाऊंगा, इस वचन से उनको इतना सुख मिला जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पहले तो कुछ मन में संदेह भी था, पता नहीं मैं जाऊंगा कि नहीं, लेकिन जब सारे ऋषि कह रहे हैं कि जाएंगे, क्योंकि अयम भागवत प्रधान भागवतों में श्रेष्ठ है, तो इस पर सूर्य जी कहते हैं कि आश्रित तद ऋषि गढ़ वचह परीक्षित समम मधुच गुरुचा व्यलिकम आभा सतयता अभिनंद युक्त युक्त सुश्रुष माण चैतान्य विष्णु।
ऋषियों के ऋषि गण वच, अर्थात ऐसा कोई ऋषि नहीं था वहां पर जो बोला ना हो कि हम यहीं रहेंगे जब तक महाराज परीक्षित वैकुंठ जाते हैं। उनके इस वचन को सुनकर महाराज परीक्षित को बहुत सुख मिला। और वचन कैसे कैसे थे, समम, समम का अर्थ श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं पक्षपात शून्य। वचन में पक्षपात नहीं था, पक्षपात का ही अर्थ होता है जो व्यक्ति जिससे बात करता है उसको प्रसन्न करने के लिए चपलूसी करता है, फ्लैटरी करता है, तो कोई ऐसी भी बात भी कह देता है जो फैक्ट नहीं है लेकिन अच्छी लगे, तो उसको पक्षपात कहते हैं। ऋषियों की बात पक्षपात नहीं थी। ये महाराज परीक्षित की खुशामदी नहीं कर रहे थे, फ्लैटरी नहीं कर रहे थे। इसको गुजराती में बराबर या बरूबर कहते हैं। मधुच्युत, ऋषियों के वचन से अमृत चुरा, अमृत श्रावी वचन, इतनी सुंदर बात बोला कि हमारे परीक्षित वैकुंठ जाएंगे और जब तक हैं तक हम लोग यहीं रहेंगे, इस वचन से अमृत झर रहा था। इतना सुंदर वचन क्या हो सकता है। मधुच्युत का अर्थ अमृत श्रावी, गुरु, गुरु का अर्थ है गंभीर अर्थ, गंभीर अर्थ था इसका। लोग कह रहे थे हम यहीं रहेंगे जब तक महाराज जाएंगे, तो गंभीर अर्थ क्या था, गंभीर अर्थ था ये कि महाराज परीक्षित वैकुंठ जाएंगे निश्चित, ये इसका गंभीर अर्थ था। जो सामान्य भाषा में समझ में नहीं आएगा, उसे कहते हैं जब तक वैकुंठ जाएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे, तो उसका गंभीर अर्थ ये था कि जाएंगे ही। ये सभी त्रिकालदर्शी ऋषि हैं जिनके जीवन में कोई पाप नहीं रह गया, पूर्ण शुद्ध है, भगवान कृष्ण के परम भक्त, ये सभी ऋषि ये आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं बल्कि अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम इस भक्त को विदा करेंगे, घर वैकुंठ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, यही गंभीर अर्थ था। अच्छा अव्यलिकम, अव्यलिक मतलब सब कपट या झूठ नहीं, बिल्कुल सत्य वचन बोल रहे, ये होगा ही। आभास आभास कहना अभिनंदन झुकपन, महाराज परीक्षित इन विषयों का अभिनंदन करके और बहुत ही उपयुक्त बात बोले। क्या इच्छा थी उनकी, वैकुंठ जाना तो एकदम पूर्व निश्चित है, जैसे कोई रिजर्वेशन ले लिया हो ट्रेन का, प्लेटफार्म पर पहुंच गया है, घंटी भी हो गई है कि अब आने वाली है ट्रेन, ट्रेन पर चढ़ने में इतनी उत्सुकता होती है। हमारे परीक्षित को क्या आनंद हुआ होगा, इसका वर्णन तो सरस्वती जी और ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। तो वे ऋषियों का अभिनंदन करते हुए बोले और उनके हृदय में लालसा थे कि मैं श्री कृष्ण की लीला सुनूं, वही उनकी इच्छा श्रीमद् भागवत के में पूरी की गई, सुखदेव गोस्वामी ने पूरा किया। अभी वो नहीं आए हैं, जब इन लोगों से बात करेंगे परीक्षित महाराज तो उसी समय तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र भगवान व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी आए, जब वे आए तो सभी ऋषियों में खड़े हुए, क्योंकि सब लोग जानते थे, प्रचार था कि श्रीमद् भागवत के लिए ग्राहक पढ़े हुए इनको इनके पिताजी ने पढ़ाया है, बात सब जगह फैली थी। तो अब दूसरे के द्वारा कोई उत्तर देने की बात नहीं रह गई थी, वहाँ विद्यास लोग खड़े हो गए, भगवान परशुराम खड़े हो गए, नारद जी खड़े हो गए सभी। और वास्तविक बात यह है सुखदेव गोस्वामी के प्रवचन को सुनने के लिए ही ये जुटे थे, जानते थे कि ये सब होगा, आएंगे। बहुत
दुर्लभ आनंददायक प्रसंग हुआ। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके सभी ऋषियों से कहते हैं, समागता सर्वतेव सर्वे वेदा यथा मूर्ति धरास्त्र पृष्ठ नेहाथवा मूर्त कश्चनार्थ रीते परानुग्रह आत्मशीलम। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक में जैसे वेद मूर्तिमान रहते हैं, मूर्ति धरा वेदा जथा भवंती तत्तुल्य, आप लोग सतलोक में जैसे मूर्तिधारी वेद रहते हैं वैसे आप लोग साक्षात वेद स्वरूप, अर्थात उनके ज्ञानातिशयता का वर्णन कर रहे हैं। आप लोग ज्ञान की मूर्ति हैं, मूर्तिमान वेद हैं। जैसे सतलोक में वेद रहते हैं तो देवता के रूप में रहते हैं, व्यक्ति के रूप में, तो वैसे आप लोग मूर्तिधर वेद हैं। मूर्ति ऋषि की है, देवता की है, लेकिन आप लोग वेद हैं साक्षात। इसका मतलब पूर्ण ज्ञान भगवान के विषय में, सब विषय में परम ज्ञानी। और आधे श्लोक में परम कृपालु हैं, उनके कृपा तिशयता का वर्णन कर रहे हैं। नेहा थवा मूत्र कश्चनार्थ रीते परानुग्रह आत्मसीमा, आपका इह अथवा अमूत्र इस लोक में या दूसरे लोक में स्वर्ग आदि में परानुग्रह रीते दूसरे पर कृपा करने के अतिरिक्त न कश्चनार्थ और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। इस संसार में कोई व्यक्ति घूमता है तो दूसरे पर कृपा करने के लिए ही घूम रहा हो, भ्रमण कर रहा है तो जरूरी नहीं है, तो अपने अपने लिए घूमते हैं। वहां जाएंगे तो इतना वेतन मिलेगा, ये होगा ये होगा वो होगा, लेकिन ये महात्माओं के विषय में, ऋषियों के विषय में परीक्षित महाराज कहते हैं कि परानुग्रह रीतम रीत दूसरे पर कृपा के अतिरिक्त आपका न कष्ट न अर्थ और कोई अर्थ नहीं, प्रयोजन नहीं। तो आप यहाँ आए हैं तो केवल अपने स्वभाव से बाध्य होकर आए, दूसरे पर अनुग्रह करना यही केवल आपका अर्थ है। तो सिपा सिद्धर स्वामी जी अर्थ लिखते हैं, तो भाई ये अर्थ हुआ ना, दूसरे पर कृपा करना है ये अर्थ हुआ ना, प्रयोजन हुआ ना, तो बोले नहीं नहीं ये सोचते नहीं है दूसरे पर कृपा करनी है। आत्मशीलम इनका अपना स्वरूप ही है, स्वभाव ही है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि माँ अपने छोटे से बच्चे को पोसती है, खिलाती है पिलाती है, कोई सोचती नहीं है कि इस पर कृपा करनी है, उसका स्वभाव है बच्चे को पोसना है ना, कोई ये सोच करके नहीं कि हमारी ड्यूटी है करनी चाहिए, हमारा लक्ष्य है ये। आत्मशीलम श्रीपद सिद्धर स्वामी लिखते हैं, त्रयाणाम लोकानाम पृष्ठ उपरि सत्य लोके वेदा यथा मूर्ति धरा भवंती तब तुल्या भवंत ज्ञानातिशय उक्त्वा कृपालुता कृपालुता महा नेहेति भवताम प्रयोजनम परानुग्रहम बिना न अस्ति। दूसरे पर कृपा के अलावा अनुग्रह के अलावा आपका कोई प्रयोजन नहीं है, तरही स एव अर्थ स्यात्। तो दूसरे पर कृपा करना अर्थ हुआ ना, दूसरे पर कृपा करना है पर न आत्मशील स्व स्वभाव, दूसरे पर कृपा करना आपका स्वभाव ही है, तो सोचना नहीं पड़ता कुछ, सहज स्वभाव है दूसरे पर कृपा करने। संत सहज स्वभाव खंडराया, उसके पहले एक चौपाई है, सहज स्वभाव है। जैसे मिश्री मीठा लगेगा ही, यदि मिश्री है
उसको आप पानी से धो दीजिए ऊपर से, तो उसका स्वभाव नहीं जाएगा। जब तक वो पूरा समाप्त नहीं होगा तब तक स्वभाव नहीं जाएगा। ऐसे ही संत का स्वभाव है, भगवान के भक्त का स्वभाव है दूसरे पर कृपा करना। ये प्रयोजन नहीं है उनका दूसरे पर कृपा करना, ये अर्थ नहीं है, ये उनका स्वभाव है। तो आप सब आए हैं यहाँ पर, तो मैं पूछने योग्य बात पूछ रहा हूँ। ततश्च वह पृच्छिमं विपृच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्र मृषताभियुक्तः। अतः थोड़े समय के लिए आपका संग प्राप्त हुआ है, मैं आपसे पृच्छिमं विपृच्छे, पृच्छिमं का से पूछने योग्य, प्रष्टव्यम्, प्रष्टव्य पूछ रहा, पूछने योग्य पूछ रहा। बहुत सावधानी से पूछ रहे हैं, पूछने योग्य पूछ रहा, जिसको पूछना चाहिए वो मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि फालतू जैसे लोग पूछते हैं वैसे कुछ पूछ रहे हैं। ततश्च वह, वह वह का अर्थ है युष्माकम्। मैं आप लोगों से इमं पृच्छिमं विपृच्छे, ये पृच्छिमं प्रष्टव्यं विपृच्छे, पूछने योग्य एक बात पूछ रहा हूँ, तो क्या आपको विश्वास है कि हम लोग जानते हैं उसको और हम उचित उत्तर देंगे? हाँ, विश्रव्य विश्वासन कृत्वा, हम आप पर पूर्ण रूप से विश्वास करके श्रद्धा करके पूछने योग्य बात पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं? इति कृत्यतायाम, इति कृत्यतायाम एवं कर्तव्यम इति अस्य भाव इति कृत्यता तस्मिन् विषय, मनुष्य का क्या कृत्य है यह होना चाहिए, उसके कृत्यता के विषय में मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए इस विषय में प्रश्न कर रहा हूँ, वस्तु उसको क्या करना चाहिए, किसी जीव का क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए, एक तो ये पहला प्रश्न हुआ। और दूसरा प्रश्न हुआ कि जो म्रियमाण है उस पर भी प्रश्न सब छूटे। सर्वात्मना, मनुष्य का सर्वात्मना सर्वा अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में, सभी देश में, सभी परिस्थिति में, सब तरह से क्या कर्तव्य है, इनमें प्रश्न पूछने जो पूछ रहा है, बहुत सुंदर प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न एक स्पेशल पूछ रहा है कि जो म्रियमाण है, जो मृत्यु के पंजे में है, मरणशील है, उनके लिए कृत्य क्या है, सामान्य सबके लिए क्या कर्तव्य है, और उस पर भी जो म्रियमाण हैं, मरने वाले हैं, मृत्यु के पंजे में, उनको क्या करना चाहिए। और वो भी मैं पूछ रहा हूँ, उसको बताइए। ऐसा नहीं कि कोई भी साधन बता दे, अनेक साधन लोग बताते हैं, लेकिन हम शुद्धम शुद्ध साधन सुनना चाहते हैं, जिसको करने से पहले का पाप सब खत्म हो जाए और आगे पाप ना हो, पापों का रिएक्शन ना भोगना पड़े, फल ना भोगना पड़े, ऐसा साधन क्या है। दो प्रश्न किए ना, दो प्रश्न। सर्वथा सभी अवस्थाओं में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और जो सर्वथा म्रियमाण है उनके लिए शुद्ध कृत्य क्या है। से बहुत से कर्म है संसार में, लेकिन वो शुद्ध नहीं होते, उसमें कुछ पाप लगता है, और पहले के कर्मों का पाप काट नहीं पाते हैं, फल भोगना पड़ता है।
कर्म का रिएक्शन करो। हमें शुद्ध साधन सुनना चाहता हूँ। दो प्रश्न हुआ, सबके लिए समान रूप से कर्तव्य बताइए और म्रियमाण के लिए कर्तव्य क्या। श्रील प्रभुपाद जी इस पर लिखते हैं कि जो म्रियमाण है उसके लिए कृत बताइए। तो ऐसा संसार में कौन है जो म्रियमाण नहीं है? अरे मृत्यु चाहे दो दिन में हो, चाहे सात दिन में, चाहे सौ वर्ष के बाद हो, मृत्यु तो निश्चित है। तो म्रियमाण तो सब है। और इस समय जो हॉस्पिटल में जाते हैं जिनको रोग है, वो भी म्रियमाण ही समझिए। कोई नहीं मानना चाहिए कि नहीं नहीं हम मरने वाले नहीं हैं, कोई ठीक नहीं कब मरना है, तो उसको म्रियमाण कहते हैं। तो सब तो म्रियमाण ही है, प्रभुपाद जी कहते हैं। श्रीधर स्वामी भी यही लिखते हैं, सब म्रियमाण। दोनों प्रश्न का एक ही अर्थ हुआ, एक ही अर्थ हुआ, क्या कर्तव्य है इस विषय में, आप सब विचार करके और बताइए। तत्र इस विषय में अमृषत, अमृषत का अर्थ विचारयत, आप विचार कर लीजिए और विचार करके कृपया आप बोलिए। अभिजुक्ता है, आप सब भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, परम ज्ञान है आपको, मूर्तिमान वेद है और कृपा है ही, दूसरे पर अनुग्रह के अतिरिक्त आपका कोई उद्देश्य या प्रसाद प्रयोजन नहीं है, का स्वभाव है। तो मैं आपके चरणों में मांग रहा हूँ कि इस बात को बताइए, पूछने योग्य है मनुष्य का क्या कर्तव्य है। वही ऋषि आपस में लगे परामर्श कर रहे थे। तो कोई कोई जो हरिद्वार से गए थे या काशी जी से गए थे, उसमें तो ऐसे लोग नहीं आए थे, विनोद की बात है। कोई कोई लगे कहने कि चाहिए महाराज को कि ये यज्ञ चालू करें, दान चालू करें, ये करें वो करें वो करें, या ऐसा विचार करें कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ये सब विचार। तो आपस में एक निर्णय पर अभी नहीं आ रहे थे। तब तक तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र, उसी समय सुखदेव गोस्वामी उस सभा में आए। बच्चे उनके साथ चल रहे थे और कुछ बच्चियां थी, स्त्रियां थी, वे लोग मुख धोकर के उनके पीछे चल रहे थे। 16 वर्ष के थे और नग्न थे। तो उन लोगों को ये संशय हो गया कि लगता है ये लड़का पागल है, पागल ऐसे ही नंग धड़ंग घूम रहा है। बाल भी बहुत सुंदर था लेकिन उसको कंघी नहीं किए थे, जटा जैसा हो गया। तो कोई सिटी में घूमे और ऐसे नंग धड़ंग, तो उसको देखने के लिए तो हजार लोग चल ही आएंगे। अब प्रचार कीजिए हमारे किसी कीर्तन गाइए तो लोग कम जुटेंगे, लेकिन तो कपड़ा खोल करके चल देते तो कई हजार आदमी देखने लगे, तो सिद्ध ही हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी को देखने के लिए बच्चे पूछते थे, इधर का कहाँ घर है तुम्हारा, वो कुछ नहीं बोलते थे, बाहर जैसे दिखा देते अपने को, अंधे जैसे, जैसे मार्ग देख ना रहे। तो वो सभी कहते थे कहाँ जाना है, तो बोलते नहीं थे, कहाँ जा रहा है, ये रास्ता जाएगा। फिर लड़कियाँ कविता भी सोचती थी, ओहो ब्रह्मा की ऐसी गलत सृष्टि है, इतना सुंदर लड़का बनाया लेकिन पागल बना दिया। तो वो पीछे पीछे जा रहे थे, पूछते हुए जा रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। जाते जाते जब सभा में पहुंचे तो समस्त ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि की सभा उठ गई, सब खड़े हो गए। और जब इनको बड़े दिव्य आसन पर बैठाया गया, ये बच्चे और स्त्री से लौट आए, वहाँ पर सूर्य गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मूड है, मतलब कुछ जानते नहीं थे, लौट गए। तो वीर लोग कहते कि पागल नहीं है, तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, पागल होता तो ये सब सही दिमाग वाले कैसे उसका स्वागत करते। तो लोग लौट गए। सूर्य गोस्वामी जी कहते हैं जब सुनना चाहिए कि सुने नहीं, लौट गए, इनका तमाशा खत्म हो गया। यहाँ से
कल प्रारंभ किया जाएगा। पुनः परीक्षित महाराज उसी प्रश्न को सुखदेव गोस्वामी से पूछेंगे। तब सुखदेव गोस्वामी के दो प्रश्नों के उत्तर में ही दूसरे से बारहवें स्कंध तक भागवत का है। इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर है श्रीमद् भागवतम में। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। Yeah.
Sarasvatdeve Gauravani Pracharine